Hello guys, welcome to RealMax. Let us start with our third lecture of thermodynamics. Okay, last lecture में हमने कुछ temperature scales के बारे में, ideal gas equation के बारे में पढ़ा था, ठीक है? और सबसे important हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक constant volume gas thermometer work करता है, ठीक है? किस तरह से वो temperature Celsius centigrade Celsius जो scale होता है temperature नापने का वो कैसे काम करता है, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे friends. Some important relations, okay? Some important relations. Friends, आज हम पढ़ेंगे work और heat के बारे में. Work और heat को पढ़ने से पहले कुछ एक important relations है जो आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि हमारे numericals में काम आते हैं और basically हमें पता भी होना चाहिए, ठीक है? As a mechanical engineer, okay? So 1 kilocalorie जो होता है, वो होता है आपका 4.18 kilojoule, ठीक है? 1 kilocalorie is 4.18 kilojoule. सेकेंड वन इज 1 kWh. 1 kWh होता है आपका, मैंने आपको करके भी दिखाया यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 3600 kilojoule. द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज 1 horsepower, ठीक है? 1 horsepower आपका होता है 746 watt, या फिर इसको किलो वॉट में भी लिख सकते हैं, 0.746 kW. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है? क्योंकि हम बहुत सारे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके रिलेशंस जो आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट आएंगे वो आपको बताता चलूंगा मैं, ठीक है? दैट इज 1 टन. ये टन आपका किसी भार नापने वाला टन नहीं है, ठीक है? दिस इज टन, TON यूज इन एयर एंड रेफ्रिजरेशन, ओके? तो वहां पे जैसे आप जनरली एसी वगैरह खरीदने जाते हो तो वहां पे वो पूछता है कितने टन की एसी है. इट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ दैट एसी टू डंप दैट मच ऑफ हीट आउट ऑफ द चैम्बर, ओके? जो भी आपका रूम वगैरह जो भी है उससे कितने हीट वहां पे बाहर डंप कर देगा वो, ठीक है? तो जैसे 1 टन होता है तो 1 टन का मतलब 3.5 kJ/s या फिर 3.5 kW, ओके? तो ये थे कुछ रिलेशंस. चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं अपना एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में. एनर्जी इंटरेक्शन जैसे हमने पढ़ा था कि 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम में तो कोई भी एनर्जी इंटरेक्शन होता नहीं है, ओनली क्लोज और ओपन में होता है, और मास इंटरेक्शन ओनली ओपन सिस्टम में होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. तो अभी क्लोज सिस्टम के अंदर 2 टाइप का एनर्जी इंटरेक्शन होता है, वर्क एंड हीट, और ओपन सिस्टम में वर्क इन एंड मास, ठीक है? तो इन तीनों को मिलाकर एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनती है, दैट इज स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, SFE. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बहुत सारी जगह पे काम भी आती है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी काम आती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे जैसे भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ओपन सिस्टम के लिए, ओके? सो फ्रेंड्स, थोड़ी सी स्पीड मैंने इसलिए बढ़ा रखी है क्योंकि लास्ट लेक्चर से मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस आया है कि अब मैं अगर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कुछ इन्वॉल्व करना चाहता हूँ लेकिन स्पीड की वजह से मैं कुछ कंटेंट इन्वॉल्व नहीं कर पाता हूँ, कुछ चीजें अच्छे से समझानी होती हैं वो भी नहीं समझा पाता हूँ, तो स्पीड स्लो करने का यूट्यूब के अंदर एक ऑप्शन भी आता है, तो आप अगर स्पीड स्लो करके सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर मैं स्पीड फास्ट रखूंगा तो मेरे लेवल से अगर मैं हाफ एन आवर का लेक्चर कर रहा हूं तो मैं आप लगभग मेरा जितना मैं 35-40 मिनट में जो कवर करता था वो हाफ एन आवर के लेक्चर में मैं कवर कर सकता हूं, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बता सकता हूं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क ट्रांसफर. वर्क इज द बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि हम जनरल लाइफ में वर्क 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 बोलते हैं, काम काम काम, ठीक है? तो एक काम क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है? वर्क एक हाई ग्रेड एनर्जी होती है. क्यों होती है हाई ग्रेड एनर्जी? क्योंकि हाई ग्रेड एनर्जी फ्रेंड्स उन एनर्जी को बोलते हैं जो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर इजिली कन्वर्ट हो जाती है और कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है. और लो ग्रेड एनर्जी वो होती है जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पाती है, ठीक है? कंप्लीटली कन्वर्ट होने का मतलब है कि कोई भी अगर आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो तो वहां पे आपका एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, ओके? सो दैट इज योर लो ग्रेड हाई ग्रेड एनर्जी. जहां पे लॉस नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है तो लो ग्रेड एनर्जी, ओके? ठीक है, उसके बाद में आता है वर्क. वर्क क्या होता है? मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ये जो आपका फॉर्मूला होता है F इंटू एक्स, लेकिन ये फॉर्मूला कब आपका अप्लाई होता है? जब आपका जो मूवमेंट है दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो वर्क आपका एक अदिश राशि होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी. फोर्स एक जो होती है आपकी सदिश राशि होती है, एक्स भी यहाँ पे सदिश राशि होती है, और दो सदिश राशियों को, दो वेक्टर क्वांटिटी, मतलब फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्स इज ए वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और दो वेक्टर क्वांटिटी का जब मल्टीप्लाई करती है तो हमें क्या मिलती है, स्केलर क्वांटिटी, ओके? सो डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं डायरेक्ट डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच की, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फ्रेंड्स डिस्टेंस नहीं है, ओके? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बहुत सारी बुक्स में यही एक डेफिनेशन और दी गई वर्क की, दैट इज वर्क इज द सेट टू बी डन बाय अ सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट
ऑन द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी रिड्यूस टू रेज ए वेट। इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो ये एक मोटर है, एक फैन चल रहा है, ठीक है, द वर्क इज गोइंग टू बी डन, ये बैटरी है, यहाँ पे वर्क हो रहा है, फैन चल रहा है, वर्क हो रहा है, लेकिन वर्क कब हो रहा है थर्मोडायनेमिक के हिसाब से, जब ये सोल इफेक्ट, इसका जो सोल इफेक्ट है दैट कैन बी देयर टू रेज ए वेट, ठीक है, यानी कि फैन को उठाकर यहाँ पे कुछ एक वेट यहाँ पे अगर हम माउंट करें और ये वेट अगर उठ रहा है, इट मीन्स द वर्क इज गोइंग टू बी डन हेयर, ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्क के कुछ डायरेक्शंस। वैसे डायरेक्शंस नहीं होते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन वर्क को हम कब नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव वे में लेते हैं। जैसे मान लो ये हम करेंगे जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो वहां पे जैसे क्यू जो होता है वो आपका डेल्टा यू इज द इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, तो यहाँ पे जो प्लस है वर्क, कई बार यहाँ क्या लेते हैं डेल्टा यू माइनस वर्क भी लेते हैं, ठीक है। तो वर्क को कब हम नेगेटिव लेते हैं, कब पॉजिटिव लेते हैं, ये होता है सिस्टम पे डिपेंड करता है, सिस्टम और सराउंडिंग के म्यूचुअल इफेक्ट होता है। अगर सराउंडिंग से सिस्टम के ऊपर कुछ काम हो रहा है तो वर्क को नेगेटिव डील करेंगे, और सिस्टम से सराउंडिंग के ऊपर कुछ काम हो रहा है तो उसको हम पॉजिटिव डील करेंगे, ओके ओके फाइन। तो ये आपका साइन कन्वेंशन होते हैं वर्क के कुछ। उसके बाद में फॉर्म ऑफ वर्क, इसको जल्दी से कवर करेंगे। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क को डिनोट करते हैं ई इंटू वाई। व्हाट इज ई? ई जो होता है दो पॉइंट्स के बीच में जो आपका विभव होता है, जो आपका पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जिसकी वजह से आपका करंट फ्लो करता है, दैट इज ई, और करंट आई, ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल को लिखते हैं वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क ई आई, ओके, वी आई भी इसे लिखा जाता है। उसके बाद में आता है शाफ्ट वर्क। शाफ्ट वर्क क्या होता है, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से डिनोट कर रहे थे वहां पे, ठीक है, तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है दैट विल बी डिनोटेड बाय थीटा, और फोर्स को वहां पे एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे फोर्स किसका क्या काम करता है, टॉर्क, क्योंकि टॉर्क इसको घुमाने के काम आता है, और एंगुलर वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से यह घूम रहा है, ठीक है, दैट इज नोटेड बाई ओमेगा। तो वर्क क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू थीटा, ये हो गया आपका शाफ्ट वर्क, और पावर क्या हो गई, फोर्स इंटू वेलोसिटी यानी टी इंटू ओमेगा, दिस इज द पावर। उसके बाद में बात करते हैं फ्लो वर्क। फ्लो वर्क को जानने से सबसे पहले हम जानेंगे पीडी वर्क। देखिए फ्रेंड्स, फ्लो वर्क जो होता है वो केवल और केवल ओपन सिस्टम में क्या मानता है, नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लो, फ्लो मतलब मास का फ्लो हो रहा है, यानी कि अगर आप एक चैम्बर लेते हैं उसके अंदर कुछ मास इनलेट हो रहा है, कुछ मास आउटलेट हो रहा है, ठीक है, तो मास का फ्लो हो रहा है, तो एक ओपन सिस्टम है। तो फ्लो वर्क जो है वो एक ओपन सिस्टम के लिए ही काम में लेते हैं। ओपन सिस्टम में फ्लो वर्क को समझने से पहले हम समझ लेते हैं पीडीवी वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पीडीवी वर्क क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लो एक हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर यहाँ पे एक पिस्टन लगे हुए हैं, सॉरी पिस्टन है, पिस्टन की इनिशियल पोजीशन है पोजीशन वन, जिसमें प्रेशर पी वन और वॉल्यूम वी वन है, ठीक है। जब हमने इसको एक्सटर्नल एनर्जी दी, कुछ हीट दी, हीट देने के बाद ये गर्म हुआ, गर्म होने के बाद प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने से ये पिस्टन जो यहाँ प्रेशर जो पोजीशन वन है वहां से मूव करके पोजीशन टू पे चला गया, ठीक है, पोजीशन टू पे इसका प्रेशर पी टू एंड वॉल्यूम वी टू। तो अब हमें देखना है कि कितना वर्क किया गया, ठीक है, कितना वर्क किया गया सिस्टम के द्वारा, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करना है, क्या करेंगे, फोर्स तो हमें पता ही है, एरिया इंटू डिस्टेंस रहती है, फोर्स का कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान के चले, द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इट इज डीएल, एंड एरिया हमें पता ही है ए है, ठीक है। तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स वहां पे प्रेशर इंटू एरिया और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएल, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पी इंटू ए इंटू डीएल। अब ए इंटू डीएल कंबाइनली क्या बन गया, डीवी यानी वॉल्यूम, एरिया ए, जब एरिया को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया को डिस्प्लेसमेंट से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया, ये जो आपका डी वी है, ठीक है, ये जो फॉर्म है ये आपकी डीवी में कन्वर्ट होगी। अब ये क्या बनेगा, पी इंटू डी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, डी डब्ल्यू यानी वर्क को जब मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क जो है इसको मैंने डी डब्ल्यू के ऊपर मैंने एक लाइन लगाई हुई, लाइन से इसको काटा है। अब आप कहेंगे सर ये लाइन आपने क्यों लिखी, लाइन एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स की लाइन जो होती है ये किसी फंक्शन को, दो फंक्शन है जैसे अपने पास, ठीक है, एक फंक्शन तो क्या है अपना जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल यानी कि पॉइंट फंक्शंस हैं, और दूसरे फंक्शन पाथ फंक्शन है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो इन दोनों फंक्शन को बेसिकली कुछ नहीं है, अलग अलग दिखाने के लिए। जैसे मान लो ठीक है एक आदमी है, सिंपल आदमी, एक आदमी जिस पर रिबन बंधा हुआ है, ठीक है, दो हमशक्ल है, तो दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए, उसी तरह से हम दो फंक्शन हैं, दो फंक्शन को अलग अलग दिखाने के लिए यहाँ पे एक इसमें लाइन से क्रॉस कर दिया, ठीक है, सिंपली। इनएक्जैक्ट डिफरेंशियल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, एग्जैक्ट क्या होते हैं, जैसे मान लो डी वी है पॉइंट फंक्शन है, वन से टू पे जाएंगे तो यहाँ पे वी टू माइनस वी वन डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स वो होते हैं जिनको हम डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन करके
सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स वो होते हैं जिनको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके सोल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे पीडीवी है तो यहाँ पे पी टू वी टू माइनस पी वन नहीं, पी वन वी वन नहीं लिख सकते, यहाँ पे प्रॉपर इसका एक इंटीग्रेशन आपको करना पड़ता है। ठीक है, एक पाथ के थ्रू ये चलता है प्रोसेस, पाथ फंक्शन पॉइंट फंक्शन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है। ठीक है, तो पीडीवी, अब एक्चुअली पीडीवी इसका मतलब क्या है, पीडीवी का मतलब है कि पीवी ग्राफ, पीवी जो आपका डायग्राम है उस डायग्राम के ऊपर आपका जो पीवी कर्व बनेगा, ठीक है, दिस इज द पीवी कर्व। ठीक है, और ये पीवी जो कर्व बनेगा इस कर्व के नीचे का एरिया किस लाइन तक, वी टू लाइन तक, इस कर्व का जो प्रोजेक्टेड एरिया है नीचे तक, ठीक है, ऑन वॉल्यूम लाइन, ठीक है, जो आपका जो एक्सिस है वॉल्यूम वाली उस एक्सिस तक, अगर मैं इसको वी डी पी लिखता तो इसका मतलब कर्व के नीचे का एरिया किस लाइन तक, किस एक्सिस तक, प्रेशर एक्सिस तक। ये भी एक तरह से वर्क की फॉर्म होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जब ओपन सिस्टम के लिए पढ़ेंगे तब इसको पढ़ते हैं। SFE जैसे मैंने बताया ना, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, वहां पे इसको काम, वहां उसके बाद में आता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल पीडीवी वर्क के बारे में पढ़ते हैं। तो पीडीवी वर्क क्या हो गया, ये आपको ग्राफ में अगर दिया हो तो डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपको एक लाइन दे दी, एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जामिनर एक लाइन दे देता है, बोलता है वर्क निकालो, तो वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट इस लाइन का प्रोजेक्शन लेंगे इस लाइन के ऊपर। ठीक है, और इस एरिया को निकालना है तो आप एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, वहां पर वर्क निकल जाएगा, कोई भी आपको पीवी इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो इस तरह से जो वर्क निकालते हैं, दिस इज द दिस एरिया यानी पीवी डायग्राम का ये एरिया, कौन सा एरिया जो इस कर्व के जो नीचे की तरफ है, दैट इज पीडीवी वर्क। ओके, अब पीडीवी वर्क जो होता है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं फ्रेंड्स, दो। एक तो जो प्रोसेस आपने मान के चले हैं वो रिवर्सिबल है, क्यों, क्योंकि देखिए जैसे 1 to 2 जा रहे हैं तो ये जो आप, मैंने आपको ग्राफ दिखाया है, ये जो कर्व मैंने आपको दिखाया है, दैट इज कंटिन्यूस, ये कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ये डिसकंटिन्यूस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने आपको लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस कर्व का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस इज क्वासिस्टेटिक प्रोसेस। ओके, और दूसरा ये जो होता है ओपन सिस्टम के लिए काम नहीं लेता है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज सिस्टम, ये क्लोज सिस्टम के लिए ही काम में आता है पीडीवी वर्क। ओके, ठीक है, ओपन सिस्टम के लिए कैसे क्या फॉर्म काम में आते हैं मैं आपको बाद में समझा दूंगा जब हम ओपन सिस्टम की बात करेंगे। फिलहाल क्लोज सिस्टम के अंदर जो है पीडीवी वर्क, पीडीवी वर्क की बात करें तो पीडीवी वर्क जो होता है क्लोज सिस्टम के लिए और रिवर्सिबल वर्क के, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही काम में आपको लेना है। ठीक है, पीडीवी वर्क का एक्चुअल फिजिकल मीनिंग क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे ये डिराइव करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। पीडीवी वर्क को डिस्प्लेसमेंट वर्क भी बोलते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने फ्लो वर्क के ऊपर। फ्लो वर्क में आप देख सकते हैं जैसे एक चैम्बर है, चैम्बर के अंदर P1 प्रेशर से V1, यहाँ पे V1 फ्रेंड्स ध्यान रखना है वेलोसिटी है। ठीक है, और एरिया जो है पोर्ट है, इस पोर्ट का एरिया है A1। ठीक है, इसके अंदर DM1 मास जो है वो V1 वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे पोर्ट 2 के ऊपर DM2 मास जो है V2 वेलोसिटी से बाहर एग्जिट कर रहा है, A2 इसका एरिया है। अभी हम देखेंगे फ्लो वर्क होता क्या है, फ्लो वर्क निकालते कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्स जानते हैं क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, P1 इंटू A1, और वेलोसिटी हमको पता है V1 होती है। तो एक डी टो टाइम हमने लिया, टाइम इंटरवल डी टो मतलब एक बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम जिसके लिए हमने लिया, और उस स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी V1 इंटू डी टो टाइम। तो उस डी टो टाइम के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये इस फोर्स की वजह से, तो एक्चुअल फ्लो वर्क कितना हो गया, P1 A1 इंटू V1 इंटू डी टो। अब इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 डिनोट कीजिए, इसको संभाल के रखना है, आगे काम आएगी। अब देखते हैं फ्लो रेट क्या होता है। फ्लो रेट हम पढ़ चुके हैं किसके अंदर, फ्लूड मैकेनिक्स के अंदर, जब हम कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखते हैं, ρ1A1V1 इज इक्वल टू ρ2A2V2, यानी कि कंटिन्यूटी होने के लिए क्या जरूरी रहता है वहां पे, कि मास फ्लो रेट जो होता है वो एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, और ρ1A1V1 ये इन जनरल इक्वेशन है, क्योंकि ये किसके लिए काम में आता है, आपके कंप्रेसिबल फ्लूड्स के लिए, इनकंप्रेसिबल के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन वहां पे ρ1 से ρ2 कैंसिल हो जाते हैं, तो वो A1V1 इज इक्वल टू A2V2 रह जाता है। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो ρ1A1V1 इज इक्वल टू ρ2A2V2, यानी ρ1A1V1 वहां पे क्या डिनोट कर रहा है, फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, यानी कि फ्लो ऑफ मास पर यूनिट टाइम। सो DM1/D2 इज इक्वल टू ρ1A1V1। अब ρ1A1V1 है, इसको रो को हम बटा में ले जाते हैं A1V1 के। ठीक है, तो A1V1 के बटा में ले गए तो क्या बन गया, 1 by ρ1। रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम नीचे है तो वॉल्यूम चला जाएगा यहां पे, तो ये क्या बन गया, A1V1 यानी वॉल्यूम अपॉन मास। और वॉल्यूम अपॉन मास क्या होता है, हमें पता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, सो A1V1 अपॉन स्मॉल V1 स्पेसिफिक वॉल्यूम बन गया। तो कुल मिला के ये वाला जो रिलेशन है ये आ जाता है, और इसको जब हम सोल्व करते हैं A1V1 के लिए, तो A1V1 की वैल्यू आती है DM1/D2 स्पेसिफिक वॉल्यूम।
a1 v1 की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि a1 v1 की वैल्यू पुट करनी है अपने को यहां पे। तो a1 v1 की जब वैल्यू पुट करते हैं यहां पे तो फ्लो वर्क इनलेट पे आता है p1 इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम v1 इंटू dm1। ओके, सिमिलरली जब हम आउटलेट के लिए निकालेंगे सेम इक्वेशन होगी, सेम जब हम सारा कुछ पुट करते हैं, सॉरी नीचे रह गया थोड़ा, p2 तो इसके लिए आएगा p2 इंटू v2 इंटू dm2 आउटलेट के लिए। अब मैंने देखो फ्रेंड्स यहाँ क्या लिखा है, फ्लो वर्क पर यूनिट मास। ये तो फ्लो वर्क निकल गया आउटलेट पे इनलेट पे, दोनों इक्वेशन को देखिए आप, p1 a1 dm1 p2 v2 dm2 पर यूनिट मास बोलेंगे तो डीएम वाला पार्ट, डीएम वाला पार्ट यहां से निकल जाएगा, डीएम वाला पार्ट यहां से निकल जाएगा। तो p1 v1 इनलेट पर यूनिट मास, p2 v2 आउटलेट पर यूनिट मास। तो फ्लो वर्क क्या हो गया, प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो दिस विल बी योर फ्लो वर्क प्रेशर इनटू स्पेसिफिक, दिस विल बी योर फ्लो वर्क प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो फ्लो वर्क जो होता है फ्रेंड्स, अब अगर आपको फ्लो वर्क कहीं पे भी लिखना हो तो डायरेक्ट उसको क्या लिखेंगे, प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे आया, ठीक है, एक्चुअली फ्लो वर्क पर यूनिट मास है, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। तो कैसे फ्लो वर्क को डेराइव करते हैं, कैसे इसका डेरिवेशन, डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है किसके अंदर, डायरेक्ट मेंस एग्जाम के अंदर, प्री के अंदर डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि फ्लो वर्क पर यूनिट मास को कैसे डिनोट करते हैं। तो प्रेशर इनटू हो सकता है वेलोसिटी दे दे, प्रेशर इनटू हो सकता है वॉल्यूम दे दे, तो प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है भाई, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन के बारे में, पाथ फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, जैसे इसका नेम इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। पॉइंट फंक्शन मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया था, अब जैसे मान लो वर्क है, वर्क इज ए पाथ फंक्शन, कैसे पता चला वर्क इज ए पाथ फंक्शन, वर्क क्या होता है पी डी वी, ठीक है, वर्क क्या होता है पी डी वी। और मैंने अभी भी आपको बताया था एग्जैक्ट और इनएक्जैक्ट में, जैसे एग्जैक्ट डीवी लिखे तो वी टू माइनस वी वन लिख सकते हैं, लेकिन डी डब्ल्यू का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो सिर्फ डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते है ना, ऐसे थोड़े वर्क निकालेंगे, वर्क निकालने के लिए प्रॉपर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं लिख सकते, इसका मतलब इनएक्जैक्ट हो गया, ऐसे लिख सकते हैं इसका मतलब एग्जैक्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात, ये एक पाथ फंक्शन है, ऐसा कैसे पता चला मेरे को, जैसे मान लो मैं 1 से 2 जाने के लिए कोई एक और पाथ से होके जा रहा हूं, ये पाथ था आपका ए, ये मैं बी पाथ से होके जा रहा हूं, बी पाथ से भी तो 1 से 2 में जा रहा हूं, किसी ने कहा नहीं साहब मैं यहां से नहीं होकर जाकर ऐसे जाऊंगा सी पाथ से होके जाऊंगा, तीनों ही पाथ से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है, लेकिन किसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है, ये तो देखना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी तो देखना चाहिए ना कि इसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ए के अंदर जो नीचे वाला एरिया है पी डी वी दैट इज लेस देन बी, और बी के नीचे वाला एरिया लेस देन सी, ठीक है। तो कैसे हुआ ये, मतलब वर्क तीनों रिवर्सिबल प्रोसेस से तीनों काम कर रहे हैं, सेम पॉइंट्स के बीच में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी तीनों के वर्क में जो है डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, इनके पाथ की वजह से, ठीक है, ठीक है भाई, इनके पाथ की वजह से आ रहा है। जैसे मान लो आपको एक कंपनी के अंदर नौकरी लगनी है, अब नौकरी के अंदर उन्होंने क्या मांगा, या तो आप डायरेक्ट क्या करके आओ, ठीक है, पढ़ाई करके आओ, बीटेक में गए पढ़ाई किया, पढ़ाई करके बाद में डायरेक्ट नौकरी लग रहे हो, और उसके बाद में अगर आप आपने बीटेक में पढ़ाई करके ढंग से नहीं किया है तो बाद में बीटेक के बाद एमटेक करके फिर आओ, फिर आप नौकरी पक्की लग जाओगे। तो एक बंदा तो सीधा बीटेक करके आया लग गया, और एक बंदा आया बीटेक करके एमटेक करके आ गया, तो काम किसको ज्यादा करना पड़ा, जो लंबे प्रोसेस होके आए उसी को करना पड़ा ना। उसी टाइप से लक्ष्य एक क्लियर हो रहा है लेकिन काम अलग अलग करना पड़ रहा है, और किस वजह से करना पड़ रहा है, उनके चूज किए गए पाथ की वजह से। सो इट इज ए पाथ फंक्शन, पाथ पे डिपेंड कर गया ना, सो इट्स ए पाथ फंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। इसी टाइप से मैंने आपको बताया था कि साइकिल क्या होता है, साइकिल के अंदर क्या करते हैं, जिस पोजिशन से चले उसी पोजिशन तक पहुंच गए। तो अब जैसे मैं अगर साइकिल की बात करता यहां पे, तो 1 to 2 थोड़ी जाता, 1 to 2 तो प्रोसेस हो गया, साइकिल में 1 to 1 होता तो v1 माइनस v1 होता तो वो जीरो हो जाता। इसका मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी पॉइंट फंक्शंस होते हैं, उनका साइक्लिक इंटीग्रल जो होता है वो हमेशा जीरो आता है। वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर तीनों के प्रॉपर्टीज हैं, तो इनका साइक्लिक इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो जीरो मिलता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है फ्रेंड्स, जिसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको नाम ले दे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप पता नहीं क्या पूछ लिया, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, जो इंटीग्रेट करने में आपकी हेल्प करता हो, दैट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। या इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको अगर आप किसी इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो तो एग्जैक्ट बन जाता है। जैसे मैं वर्क को क्या लिखता हूँ, पी डी वी, तो वी डी वी इज इक्वल टू वन वाई पी इंटू डी डी डब्ल्यू बार, ये लिख सकता हूँ। डी वी क्या है आपका, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसका मतलब ये सामने वाली टर्म भी आपकी क्या हो गई, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। लेकिन डी डब्ल्यू तो इनएग्जैक्ट नहीं था ना, तो डी डब्ल्यू कैसे इनएग्जैक्ट बना जब मैं, सॉरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल, डी डब्ल्यू कैसे एग्जैक्ट बना जब मैं वन बाई पी से मल्टीप्लाई करूं, यानी इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को एग्जैक्ट बनाने के लिए जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं उसी को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो वन बाई पी से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस पर भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे वन बाई पी से इंटीग्रेटिंग फोर, फोर किसके लिए, वर्क के लिए, ठीक है, या फिर हीट के लिए, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो लेकिन ये बहुत ही बेसिक चीज है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहीं नाम ही आ जाए डायरेक्ट तो आप इसका ध्यान में रखना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्क के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज काम में लेते हैं, फ्री एक्सपेंशन। वर्क के अंदर फ्री एक्सपेंशन बढ़ते हैं, फ्री एक्सपेंशन पे दुनिया जितने क्वेश्चन बना लो, एक क्वेश्चन तो हमेशा पक्का एक ही क्वेश्चन है जो कितनी बार जो है हो गया कि फ्री एक्सपेंशन एक्चुअली वर्क कितना होता है, फ्री एक्सपेंशन के अंदर, फ्री एक्सपेंशन में वर्क कितना होता है, ठीक है, कितने ही बार रिपीट हो गया, ये रिपीट वर्क मैं भूल गया, आ नहीं रहा था मुंह पे, रिपीट कितनी बार हो गया फ्री एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल, फ्री एक्सपेंशन को थोड़ा डिस्क्राइब करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे मान लो एक चैम्बर है, उसके अंदर गैस है, बीच में एक पार्टीशन है, फिर वॉल्यूम है। ये पार्टीशन है, इसको हम आसानी से मूव कर सकते हैं रिवर्सिबली, मतलब अगर पार्टीशन मूव करते हैं तो सराउंडिंग और सिस्टम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है इसके अंदर, पार्टीशन मूव कर रहे हैं तो जो चेंजेस आ रहे हैं वो नेग्लेक्ट कर दी मैंने, ठीक है, बहुत ही स्मूथली पार्टीशन मूव हो जाता है आराम से। तो गैस वैक्यूम, ठीक है, ये पोजीशन ए है इसकी। अब जब मैं पार्टीशन मूव करता हूं यहां से, तो गैस जो है वो इस तरफ रश करेगी, दौड़ेगी, और मैंने कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया पूरा का पूरा ये, ठीक है, ये मैंने सिस्टम का कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया, मेरे को इसके अंदर स्टडी करनी है। तो मैं क्या देखता हूँ, गैस यहां से यहां मूव की, तो बाहर कोई वर्क ट्रांसफर हुआ क्या, कोई वर्क ट्रांसफर नहीं हुआ, नो वर्क ट्रांसफर इज देयर। ओके फ्रेंड्स, सो इस पोजीशन के अंदर जब एक्सपेंशन तो फ्री हो रहा है, बेसिकली फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अभी मैंने क्या लिया, जितना मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, गैस गैस वाले पोर्शन को मैंने कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया, या वैक्यूम वाले को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैंने जब पार्टीशन को रिमूव किया, तो गैस रश करेगी वैक्यूम के अंदर। अब यहां पे तो कोई वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा था, डीवी तो जीरो है, यहां पे वॉल्यूम तो बढ़ी नहीं, क्योंकि वॉल्यूम जितना लिया उतना को उतना पड़ा, लेकिन यहां पे तो वॉल्यूम ये लिया है, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। अभी तो गैस वाला वॉल्यूम है, वो बाद में ये वाला वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना यहां पे, तो यहां पे तो वर्क होना चाहिए। लेकिन यहां पे वर्क इसलिए जीरो होता है क्यों, क्योंकि देखिए यहां वैक्यूम है, और वैक्यूम कोई भी रेजिस्ट नहीं करता इस चीज को, यहां से यहां तक आने के लिए रेजिस्ट ही नहीं कर रहा। देखिए वर्क आपको किस लिए करना पड़ रहा है, ठीक है, वर्क आपको तब करना पड़ रहा है ना, जैसे मान लो आप एक नीचे पोस्ट हो, आपके जस्ट ऊपर वाली पोस्ट खाली हो गई, एक तो आप प्रमोशन लेते हो उस पोस्ट के, पोस्ट पर खूब मेहनत करके, ठीक है, आपने खुद की मेहनत दिखा के उस पोस्ट पर जा रहे हो, तो वो आपका वर्क है। अब डायरेक्ट पोस्ट खाली हो गई, आपको उठा के उस पोस्ट पर बिठा दिया, आपको थोड़ी वर्क करना पड़ा, ठीक है, समझ सकते हैं इस एग्जांपल से। सो किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हो रहा ना, ये गैस का जो एक्सपेंशन हो रहा है वो किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स नो वर्क इज देयर, ठीक है, और ये जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज, ठीक है, यहां से यहां इरिवर्सिबल, ये किसी पाथ को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं। वन टू टू प्रोसेस हम दिखा सकते हैं, वन टू टू हो रहा है, लेकिन नहीं दिखा सकते कैसे हो रहा है, दिस इज ए प्रोसेस, दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन कैसे जीरो होता है उन्होंने आपको बता दिया। अब एक और चीज लेकर चलते, चलो इसको रिवर्सिबल बना देते हैं। रिवर्सिबल बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे पार्टीशन लगा दिए, पहला पार्टीशन हटाया थोड़ा सा इसके अंदर एक्सपेंशन हुआ कॉसिस्टेटिक, फिर मैंने पे दूसरा पार्टीशन हटाया थोड़ा सा फिर एक्सपेंशन हुआ, इस तरह से स्लोली इनफाइनाइट स्लोली मैंने इसको एक्सपेंड किया, तो यहाँ पे मेरे को नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल गए, उनको ज्वाइन किया, रिवर्सिबल प्रोसेस बन गया। अब बोलोगे सर तो रिवर्सिबल बन गया, अब तो लाइन भी आ गई, अब तो वर्क दिखाओ,
ठीक है, अब तो वर्क दिखाओ, लेकिन अब भी मैं वर्क को क्या बोलूंगा, जी जीरो, ठीक है, अब भी वर्क मैं क्या बोलूंगा, जीरो, क्यों, क्योंकि हम दोबारा से किसी भी मतलब रेस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट नहीं चल रहे हैं फिर भी, ठीक है, दोबारा से किसी भी रेस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट नहीं चल रहे हैं, तो इसलिए यहां भी वर्क जीरो, सेम रीजन इज देयर जैसा कि इसमें था, सेम रीजन इज देयर, ओके। सो ओवरऑल हमने क्या देखा, ओवरऑल हमने देखा कि फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन जो होता है वो जीरो ही रहता है, तीनों कंडीशन हमने केस करके देख लिया, वर्क फिर भी हम निकाल नहीं पा रहे हैं, कोई भी वर्क क्रॉस नहीं हो रहा है बाउंड्री के अंदर, केस ए में देखा था पीडी वर्क इज जीरो बिकॉज जीरो रेजिस्टेंस इज टू एक्सपेंशन, एंड अगेन पीडी वर्क इज जीरो बिकॉज जीरो सॉरी जीरो रेजिस्टेंस टू एक्सपेंशन, ओके, पीडी भी तो था उसमें सी में, लेकिन वर्क इज जीरो, बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के वर्क इज जीरो, ओके। नेक्स्ट इज कंडीशन टू अप्लाई ऑन पीडी इक्वेशन, मैंने आपको पहले बताया था पीडी इक्वेशन जो होती है उसमें तीन चीजें होनी चाहिए, एक तो क्लोज सिस्टम, एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, और एक वर्क बाउंड्री को क्रॉस करना चाहिए, वर्क एंड हीट दोनों ही मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था आपके थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, वर्क और हीट को कंसिडर ही तभी करते हैं जब ये बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, ठीक है, बाउंड्री फिनोमेना ही, वर्क और हीट को ऐसे नहीं बोलते इसकी हीट इतनी है, नो 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 नो, हीट ट्रांसफर जब हो रहा है तभी हमें पता चलता है ये हीट ट्रांसफर इतना हो रहा है या वर्क ट्रांसफर इतना हो रहा है, वर्क को स्टोर नहीं करके रख सकते, वर्क जब किस चीज पे किया जा रहा है तो वो वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडिकेटर डायग्राम, तो इंडिकेटर डायग्राम सबसे पहले काम किस चीज में आता है, इंडिकेटर डायग्राम काम में आता है कि जैसे मान लो एक साइकिल है, ठीक है, एक इंजन है, तो अपने रिवोल्यूशन के अंदर वह कितना काम, एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन है वो अपने रिवोल्यूशन के अंदर कितना वर्क कर रहा है, उस वर्क को नापने के लिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है, इंडिकेटेड पावर निकालते हैं ना, इंडिकेटेड पावर बोलते हैं, तो वह ऐसे ही निकाली जाती है, ठीक है, तो एक्चुअली इंडिकेटर डायग्राम होता क्या है, कैसे बनता है, क्या ऐसे वर्क करता है, वो हम इसके अंदर देखेंगे, ओके। चलिए मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं, जैसे मान लो एक आपका पिस्टन है, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और उस पिस्टन से आपका जैसे क्रैंक वगैरह जुड़ के, और ये यहाँ पे साइकिल पे लगी रहती है, पिस्टन आगे पीछे जो है मूव करता है, उसकी वजह से आपका ये जो पहिया है जो भी है ये रिवोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने क्या किया, ये जो आपका पिस्टन होता है ना, इस पिस्टन के साइड में, ठीक है, जो इंडिकेशन ये इनलेट आउटलेट वाल्व हो गए आपके, इसके साइड में यहाँ पे एक आपका स्प्रिंग गेज टाइप कुछ लगा रहता है, यहाँ भी आपका एक पिस्टन होता है, छोटा सा पिस्टन, ठीक है, और इस पिस्टन से आपकी जुड़ी रहती है एक पेंसिल, एक ये यहाँ पे रहता है आपका मैकेनिज्म जो फिर से जुड़ा रहता है किससे, यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे जुड़ा रहता है, ठीक है, क्योंकि आगे पीछे मूव करेगा, तो ये जब आगे पीछे मूव करता है तो ये वाला सिस्टम होता है आगे पीछे मूव करता है, और यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है घटता है सिलेंडर के अंदर, तो इस वजह से ये वाला पिस्टन भी ऊपर नीचे होता है, स्प्रिंग यहाँ पे माउंटेड है, तो ये ऊपर नीचे मूव करता है, तो ये आगे पीछे मूव करता है, ऊपर नीचे मूव करता है, यहाँ पे पेंसिल लगी रहती है, तो उस वजह से एक ग्राफ बन जाता है, एक डायग्राम बन जाता है, और उसी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है, उसी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। सो इंडिकेटर डायग्राम आपका कुछ जैसे ऐसे बनता है, प्रोसेस 1 to 2 गए, सॉरी 2 to 1, 1 to 2, 1 to 2 ऐसे आ रहे हैं, 2 to 1 ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे हम जब आपकी जो पेंसिल है, ठीक है, ये लगी रहती है और ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ हो जाता है वहां पे, दैट इज इंडिकेटर डायग्राम। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया कैसे इंडिकेटर डायग्राम काम करता है, मेन चीज जो है जो काम में आती है अपने, इंडिकेटर डायग्राम किस काम में आता है, कैसे काम में आता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, इंडिकेटर डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन खींचते हैं, ठीक है, एक एटमोसफेयर प्रेशर की एक रेफरेंस लाइन खींचते हैं, फिर इंडिकेटर डायग्राम उसके अबाउट बना देते हैं, ठीक है। ऐसे बनता है इंडिकेटर डायग्राम, कैसे बनता है, क्या मैकेनिज्म रहता है, वो आपको मैंने जो है वो बता दिया, ऊपर ऊपर का जितना ही अपने काम का है, ठीक है। अब फ्रेंड्स होता क्या है, ठीक है, अब हम देखते हैं, दिस इज ए डी, ठीक है, ये ए डी है, एरिया ऑफ द डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम का एरिया, दिस इज एल डी,
यानी कि लेंथ ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको इंडिकेटर डायग्राम दिखाया था इसकी लेंथ ले ली मैंने यहाँ से यहाँ तक, दैट इज एल डी, और इसका एरिया है ए डी। फ्रेंड्स इसका एरिया कैसे नापते हैं, प्लानीमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, प्लानीमीटर। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट से लेंथ और एरिया दोनों को नाप सकते हैं, लेंथ तो वैसे ही नाप सकते हैं, एरिया भी नाप सकते हैं। तो क्यों नापना पड़ा हमें इसको, क्योंकि वी नो द डेफिनेशन आईसी इंजन के हम इंजन के अंदर हम पढ़ते हैं द मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालेंगे। मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है अप ऑन लेंथ स्ट्रोक लेंथ, ठीक है एलडी। ये जो एलडी है यहाँ पे ये डिनोट करता है किसको, स्ट्रोक लेंथ को। ठीक है, जैसे मान लो पॉइंट ये यहां से लेकर यहां तक पिस्टन मूव कर रहा है तो पॉइंट वन टू पॉइंट टू तो यही हुआ ना, इट मीन्स इट इज अ स्ट्रोक लेंथ। टोटल एरिया यानी वर्क डन अपॉन स्ट्रोक लेंथ, वर्क डन शो करता है पीवी डायग्राम का एरिया, वर्क डन अपॉन स्ट्रोक लेंथ इनटू सम कांस्टेंट के। दिस के इज द इंडिकेटर स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस के इज मैंने यहां पे दिखाया ना इंडिकेटर स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, इंडिकेटर स्प्रिंग कांस्टेंट। सो मीन इफेक्टिव प्रेशर से वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन कितना आएगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू एरिया इनटू लेंथ एल डी। ये वाला जो एरिया है दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर, पी एम इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया क्या बन गया, फोर्स। पी एम इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर जो पिस्टन के ऊपर लग रहा है, मीन इफेक्टिव प्रेशर, दिस फोर्स, दिस इज फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट एल डी। तो वर्क डन इन वन साइकिल, एक साइकिल के अंदर कितना काम करना पड़ेगा, दिस फोर्स थ्रू एल डी डिस्टेंस। ठीक है, तो एक साइकिल के अंदर कितना वर्क काम करना पड़ा आपको, पी एम इंटू ए इंटू एल डी। ठीक है, अब टू स्ट्रोक इंजन की बात, दिस इज द वर्क डन, वर्क डन तो निकाल लिया आपने एक साइकिल के अंदर। अब जैसे टू स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं तो टू स्ट्रोक इंजन के अंदर तो एन रिवोल्यूशन होते हैं एक मिनट के अंदर, यानी एक साइकिल के अंदर कितने रिवोल्यूशन होते हैं टू स्ट्रोक के अंदर, वन रिवोल्यूशन वन साइकिल, एक साइकिल के अंदर एक रिवोल्यूशन होता है। इसका एन रिवोल्यूशन पर मिनट का मतलब एन साइकिल पर मिनट। ठीक है, तो वर्क डन कैसे निकाल लेंगे, पी एम इंटू एक मिनट के अंदर कितना वर्क डन हो गया, पी एम इंटू ए इंटू एल डी इंटू न्यूटन, सॉरी न्यूटन नहीं एन। ठीक है, पी एम इंटू ए इंटू एल इंटू एन, ये तो था पर साइकिल, ये एन साइकिल के लिए, और क्योंकि एन साइकिल एन रिवोल्यूशन के बराबर होते हैं टू स्ट्रोक के अंदर तो वहां पे एन रिवोल्यूशन के लिए आ गया। तो ये वाला जो वर्क आया वो क्या आया, पर मिनट, मिनट को मैंने सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो अभी क्या बन गया, वर्क डन पर सेकंड, यानी किलो जूल पर सेकंड। वर्क डन को किलो जूल में लिखते हैं तो किलो जूल पर सेकंड, और किलो जूल पर सेकंड क्या होता है, किलोवाट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में जल्दी से खत्म करते हैं इसको। यहाँ पे फोर स्ट्रोक इंजन के लिए लेते हैं तो फोर स्ट्रोक के अंदर एक साइकिल बराबर दो रिवोल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं एन साइकिल एन वाई टू साइकिल के लिए लूंगा, ठीक है एन वाई टू साइकिल के लिए लूंगा तो ऑल रिवोल्यूशन के लिए मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि एन वाई टू, ठीक है यहां पे एन वाई टू साइकिल लू तो कितना बन गया टोटल, एन रिवोल्यूशन। ठीक है, दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो एन रिवोल्यूशन। तो एक्चुअली मैं एन रिवोल्यूशन के लिए ही निकाल रहा हूं, लेकिन एन रिवोल्यूशन क्या हो गया, एन वाई टू साइकिल्स के लिए हो गया। अब एक साइकिल का वर्क तो हमें पता है इतना होता है, तो एन वाई टू साइकिल के लिए इतना हो गया, एन रिवोल्यूशन के लिए ये है। ठीक है, एन रिवोल्यूशन के लिए है ये यहां पे, लेकिन साइकिल कितने हैं, एन वाई टू, क्योंकि एक साइकिल बराबर दो रिवोल्यूशन, तो एक रिवोल्यूशन बराबर एक बटा दो साइकिल, तो एन रिवोल्यूशन बराबर एन बटा दो साइकिल। अब ये किस में आया, किलो जूल पर मिनट, मिनट को मैंने सेकंड्स में चेंज कर दिया और फिर किलो जूल पर सेकंड हो गया, तो किलो जूल पर सेकंड क्या बन गया आपका, किलो वाट। ओके, तो ये जो वर्क डन हम निकालते हैं चाहे टू 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 स्ट्रोक के लिए या फोर स्ट्रोक के लिए, दिस इज द आईपी यानी इंडिकेटेड पावर होती है यहाँ पे, प्योर पावर। अब जब ये अप्लाई होती है तो कुछ एक पावर होती है फ्रिक्शन लॉस हो जाते हैं, और उसके बाद में जो एक्चुअल पावर हमें मिलती है दैट इज द ब्रेक पावर, ही हम ब्रीफली पढ़ते हैं आईसी इंजन में। तो इंडिकेटेड पावर होती है ब्रेक पावर और फ्रिक्शन पावर दोनों का सम होता है। ब्रेक पावर एक्चुअली जो हमें मिलती है दैट इज टी इंटू ओमेगा, पावर मैंने जैसे आपको बताया टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो और
यहां से निकालते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी, दैट इज ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, यानी ये हो जाएगा आपका टी ओमेगा अपॉन, अगर टू स्ट्रोक की बात कर रहे हैं वहां मैं टू स्ट्रोक का एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं, ए इंटू एल डी इंटू एन अपॉन 60, ठीक है, फोर स्ट्रोक होता तो एन वाई टू का मिल, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्क, ठीक है, इंडिकेटेड पावर कैसे इंडिकेटर डायग्राम वगैरह काम करता है, ये वर्क के बारे में था। इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी अबाउट हीट एंड पॉसिबली वी विल स्टार्ट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच।